बच्चों की पढ़ाई लिखाई के सरकार के तमाम दावों के बीच आज भी कई स्कूल बिना इमारत के चल रहे हैं। बच्चे खुले में या पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान के इलाके में ये हालात है। सीहोर कहने को तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का गृह जिला है, लेकिन देखिए इछावर तहसील के भूरी घाटी गांव का ये स्कूल, बारिश में भी पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं। आसपास घास और खेत है, जंगल है, यहीं पर बच्चे अपना भविष्य बनाने में लगे हैं। नाम बड़ा की मात्रा ना, नाम बड़ा की मात्रा साम, बड़ा की मात्रा साम, साम बड़ा की मात्रा साम, नाम बड़ा की मात्रा ना, नाम बड़ा की मात्रा ना, ना खाली ना, ना खाली ना। बिल्डिंग नहीं बनाया अभी। बिल्डिंग नहीं है। और क्या क्या दिक्कत आती है आप लोगों को? पानी गिरता तो यहाँ बैठते हैं, मतलब भीग भी जाते हो कई बार। और पानी, गंदा पानी पीते हैं। गंदा पानी क्यों? नाले में से। खुद शिक्षक मजबूर हैं, कई बार अधिकारियों को लिख कर दे चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। मैं पिछले साल से इस स्कूल में पदस्थ हूँ और यहाँ पर क्या है, ये स्कूल पहले से ही खुले आसमान के नीचे लगती है और यहाँ पर बहुत सारी असुविधा है। शासन के हिसाब से यहाँ पर कुछ भी नहीं है, भवन नहीं है, बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी नहीं है। बच्चों के पीने तक के लिए पानी का इंतजाम नहीं है। पास के एक नाले का गंदा पानी पीकर ही बच्चे प्यास बुझाते हैं। अधिकारी कहते हैं कि स्कूल आ गई, आपकी बन रही, बिल्डिंग आपकी बनेगी, सियालम बन रही, हर महीने बोलते हैं, हर बार बोलते हैं, तो जब भी कहते हैं अभी कहते हैं कि आ गई, तुम आपकी बिल्डिंग बनेगी, ऐसे करते करते 4 साल निकाल दिए, आज तक नहीं हुई। गांव वाले सही कहते हैं, अधिकारी हमेशा हर बार की तरह आश्वासन ही देते हैं, करते धरते कुछ नहीं, खुद डीओ को भी कुछ पता ही नहीं है। वहाँ जो है अभी भवन के लिए भूमि आवंटित नहीं हुई है और जब तक बच्चों को वहाँ निकटतम माध्यमिक शाला जो है बावड़िया चौक उसमें कक्षा लगाने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। यही हाल है नीमच के आकली गांव का। प्राइमरी स्कूल की इमारत की मंजूरी 3 साल पहले ही मिल चुकी है, 2 साल पहले पैसा भी आ चुका है, लेकिन हालत यही है। खेतों और जंगलों के पास स्कूल लगता है, जंगली जानवरों का भी डर रहता है, सांप बिच्छू निकलते रहते हैं, बारिश होती है तो बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है। बच्चों को बहुत समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बच्चों को इधर उधर गर्मियों में इधर उधर भागना पड़ता है। एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ के हम पढ़ाते हैं, उससे फिर
आसपास जंगल ये भी गाजर घास वगैरह है, उससे बच्चों को नुकसान होने की, कुछ बीमारियां वगैरह फैलने की संभावना है। इसकी जानकारी सभी हमारे संकुल के माध्यम से भी दे दी गई है और बताते हैं कि जमीन नहीं है, जमीन नहीं है, जबकि गांव के लोगों ने बता दिया कि जमीन हमें बता रहे कि यहाँ पे स्कूल बनाना है। तो जैसे बताते हैं कहते हैं कि स्कूल का काम चल जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, जबकि 2 साल से ऊपर हो गए, 2012 में स्कूल खुला है। यहाँ भी डीओ बेहद लापरवाह है। बच्चों और स्कूल की हालत क्या है ये ना उन्हें कुछ पता है और ना कुछ करना चाहते हैं। जन शिक्षा को लेकर के जन शिक्षा को भेज करके हमारी पूरी स्थिति बुलवाई है। अब जब तक पूरी जानकारी नहीं मिले तब तक के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जानकारी आते ही शीघ्र कार्रवाई करेंगे। ऐसे ही बिना इमारत के स्कूलों के भरोसे सरकार नारा लगवाती है, चलो स्कूल चले हम, पर स्कूल जाकर बच्चे करें क्या? धूप या गर्मी ज्यादा हो तो वापस घर आना पड़ता है, बारिश हो जाए तो घर बैठ जाना पड़ता है। समय के लिए सीहोर से अनिल सक्सेना और नीमच से विकास ओझा।